दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में दिन प्रतिदिन पॉइंट्स टेबल का खेल लगातार बदलता जा रहा है दोस्तों, और ये बदला जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ जिसमें भारत की हार हो गई दोस्तों, और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हो गया है। मैं बात ग्रुप दो पॉइंट्स टेबल की कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं, जहां पाकिस्तान दोस्तों 3 मैचों में 3 जीत के साथ नंबर 1 पर काबिज है, वहीं अफगानिस्तान 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे नंबर पर। लेकिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो मुकाबला हुआ दोस्तों, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को एक तरफा रौंदते हुए यह मुकाबला अपने नाम किया, और इसी के साथ वो तीसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। लेकिन भारत दोस्तों, जी हां, भारत की अगर बात करूं तो भारत 5वें नंबर पे है, उसके ऊपर नामीबिया आता है जो 2 मैचों में कम से कम 1 जीत के साथ 4थे नंबर पे विराजमान है। लेकिन भारत की बात करूं दोस्तों तो 2 मैचों में दोनों हार गए हैं भारत न्यूजीलैंड से, और इससे पहले वो पाकिस्तान से 10 विकेट से हार कर अपना नेट रन रेट भी खराब कर चुके हैं और एक भी जीत हासिल भी नहीं कर सके हैं। यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, जो लगभग कंफर्म हो चुका है कि वो सेमीफाइनल में खेलती हुई नज़र आ रही है, वहीं भारत की बात करूं तो भारत लगभग दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, क्योंकि अब उसे खुद पर नहीं दूसरे टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अभी भी दोस्तों ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के अलावा वो कौन सी दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। ग्रुप 2 से 2 टीमें, तो एक तो पाकिस्तान लगभग कंफर्म लग रही है, लेकिन दूसरी टीम क्या वो न्यूजीलैंड या भारत हो सकती है, या सबको सरप्राइज करके अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।